बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। मालवण में शिव प्रतिमा से लेकर पूरे महाराष्ट्र में वातावरण प्रदूषित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है और कहा है कि छत्रपति हमारे भगवान हैं। आज महाविकास आघाड़ी द्वारा जोड़े मारो आंदोलन की घोषणा के विरोध में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने हजारों कार्यकर्ताओं और शिव प्रेमी लोगों के साथ बोरीवली ईस्ट टाटा पावर में शिव प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शिव राय से एक बार फिर माफी मांगी। महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने और सरकार को बदनाम करने का इरादा मोदी के दावों के बावजूद शेट्टी ने जोर देकर कहा कि सभी को एक साथ आना चाहिए और इस तरह की राजनीति के बिना शिवराय के लिए एक सम्मानजनक स्मारक बनाने का प्रयास करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी दल के राजा या नेता नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण राजवंश के राजा थे। इसमें उन्होंने यह भी अपील की कि कोई भी गंदी राजनीति न करे और आज होने वाले महाविकास आघाड़ी के संयुक्त धरने का ऐलान किया। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति प्रतिमा का जो कुछ भी महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में हुआ है उसका हम सबको खेद है। महाराष्ट्र के ही नहीं तो पूरे देश भर के जनता को उसके बारे में खेद है। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मान्य एकनाथ शिंदे जी ने माफ़ी मांगा, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने माफ़ी मांगा, महाराष्ट्र के दूसरे उपमुख्यमंत्री अजीतदादा पवार जी ने माफ़ी मांगा। मेरा ऐसा मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो कुछ भी असर काम हुआ होगा तो उसके बारे में सिर्फ महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक नहीं तो देश के 140 करोड़ लोग भी अगर नतमस्तक होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काम के सामने वो कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आने वाले दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचारों को देश के नहीं तो दुनिया के काना कोपरा तक पहुंचाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई एक पार्टी के देवता नहीं है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे हिंदुस्तान के देवता है, वो आराध्य देव है, ऐसा हम सब लोगों ने माना है। इसलिए किसी एक पार्टी ने इस प्रकार का जो अभी जोड़ा मारो आंदोलन का वो कार्यक्रम कर रहे हैं, किसको जोड़ा मारोगे आप साहब? जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के सभी लोगों ने उसके बारे में माफ़ी मांगा है, जिन्होंने गलत काम किया उसके पर कार्रवाई करने की हलचल शुरू हो गई है, कार्रवाई जल्दी करो इसके बारे में आप मांग कर सकते हो। और हम सब लोगों ने मिलकर, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सारे लोगों ने मिलकर ये प्रतिमा को बहुत जल्दी से जल्दी बहुत कम समय में खड़ा करके देश नहीं तो दुनिया के लोगों को एक संदेश देने का काम ये महाराष्ट्र के लोगों ने करना चाहिए। ऐसा न करते हुए आप जोड़ो मारो आंदोलन का कार्यक्रम करते हो, मराठी में जिसको कहते हैं कि अकलेचे कोलचे झाले आहेत, आणि म्हणून ज्यांचे अकलेचे कोलचे झाले आहेत तुम्ही स्वतःच्या डोक्यावरती जोडे मारून घ्या आणि तुमचा डोका ठिकाणावर आणा, अशा प्रकारची इच्छा अशा प्रकारची भावना आज महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेचं झालेलं आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी सर्वांना आवाहन करू इच्छितो, झाले गेलेला विसरून आपण सर्वांनी मिळून महाराष्ट्रामध्ये एक नव्हे तर अनेक ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रतिमा उभारून या देशातल्या लोकांना या राज्यातल्या लोकांना एक नवीन संदेश देण्याचा काम करूया। आणि अशा प्रकारचा काम करण्यासाठी परमेश्वराने आपण सर्वांनी सर्वांना चांगली बुद्धी आणि खूप खूप शक्ती देवो, हेच आजच्या दिनी मी परमेश्वराकडे चरणी प्रार्थना करतो।